जब डिंपल कपाड़िया ने पैसों के लिए किया था अमिताभ बच्चन को परेशान। आज अमिताभ बच्चन भले ही बॉलीवुड के महानायक या शहंशाह कहलाते हों, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब उनका करियर खत्म होने की कगार पर था और वो अपने गिरते करियर को संवारने की कोशिश कर रहे थे। पैसों की तंगी के चलते वो किसी को समय पर पैसे नहीं दे सके और ऐसे वक्त में डिंपल कपाड़िया ने उनका साथ देने के बजाय पैसे के लिए उन्हें खूब परेशान किया। बता दें कि बात उस दौर की है जब बिग बी करियर की ढलान पर थे। कर्ज में डूबे बिग बी को तिनके का भी सहारा ना था। अमिताभ बच्चन के घर लेनदारों की लाइन लगी रहती। ऐसे में कमबैक फिल्म मृत्युदत्ता भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। मृत्युदत्ता अमिताभ बच्चन के ABCL के बैनर तले बनी फिल्म थी, जिसके निर्माता खुद बिग बी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट डिंपल कपाड़िया ने काम किया था। फिल्म सुपर फ्लॉप होने की वजह से अमिताभ बच्चन पूरी तरह कर्ज में डूब गए। पैसों की तंगी के कारण वे क्यों का पेमेंट वक्त पर नहीं कर सके। ऐसे में डिंपल कपाड़िया ने उनकी इस हालत को समझने के बजाय पैसों के लिए लगातार फोन कर उनको परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अपने सेक्रेटरी को पैसों की वसूली के लिए भेजने लगी। डिंपल की इस हरकत से बिग बी काफी आहत हुए। जैसे तैसे उन्होंने डिंपल के पैसे लौटा दिए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी डिंपल को अपने किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया और न ही उनके साथ काम किए। कहा जाता है कि डिंपल ने उनसे अपना पुराना हिसाब चुकाया था, क्योंकि फिल्म शहंशाह के लिए डायरेक्टर पीनू आनंद ने मीनाक्षी से पहले डिंपल कपाड़िया से बात की थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के कहने पर उन्होंने ने डिंपल को हटाकर फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया।